नमस्ते। हाय, मैं अपने आप को देख के ही ब्लश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ वीडियो बनाए थे अपने लिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए, जो चैनल में है, जो फेसबुक पे है, जो इंस्टाग्राम पे है, पर ये तो पूरी दुनिया में फैल गया। और मुझे मेरे ही वीडियो लोगों ने इतनी बार दिखा दिया है कि मुझे अपने आप को देखते हुए संकोच हो रहा है, हेजिटेशन हो रही है। लेट मी स्टार्ट विद थैंक यू फॉर स्पॉटलेस। द रिस्पॉन्स टू स्पॉटलेस वॉज रियली वेरी 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 गुड। अच्छा रहा, मुझे लगा कि हालांकि हमने इसकी शूटिंग 2 साल पहले ख़त्म कर ली थी, लेकिन यही टाइम था। किसी भी चीज़, हर चीज़ का अपना टाइम होता है, तो ये इस समय जब वो सारे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से नाम कमा कर वो फिल्म आई, तो उसके बाद में वो अब रिलीज़ हुई, अब चैनल पे लोग थोड़े आ गए हैं अच्छी तरीके से, तो लोगों ने इसको अच्छा स्वीकार किया। अनिल जी की आत्मा को शांति मिलेगी, मैंने याद इनका जिक्र किया था, इनकी बेटी के ऊपर एसिड अटैक हो गया था। हाँ, और आप लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सब, आपके ह्यूमरस टेक्स ऑन माय मोनोलॉग। बहुत बदमाश हैं आप लोग, बहुत बदमाश है, मज़ा आ रहा है मुझे। लेकिन आपने मेरे मोनोलॉग को अमर कर दिया। अब ये भगवान करे जो जो मेन मुद्दा है उससे लोग ना हटें और सिर्फ मस्ती में से ना लेकर जाएं। मेन मुद्दा है ऐसा माहौल बनाना कहीं भी, किसी भी काम के क्षेत्र में, जहाँ पर लोग सुसाइड ना करें, जहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेटेड ना हो, जहाँ पर लोग हताश ना हो, जहाँ पर लोगों का मोरल डाउन ना हो, जहाँ पर कोई बैन ना हो, जहाँ पर कोई बॉयकॉट ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आज मैं फिर से स्टूडियो में आ गया हूँ अपने, मुझे एक गाना करना है जो मैंने, एक यूके का कंपोज़र है सहज, उसके लिए मैंने करना है। हालांकि मैं 2 बार गा चुका हूँ, लेकिन अभी तक सहज संतुष्ट नहीं है। और ये आर्टिस्ट को समझना चाहिए कि अगर कहा जा रहा है तो ऑलवेज लुक एट द पर्सन पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू। सहज को मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन नेचुरली वो यंग होगा, छोटा होगा और इनएक्सपीरियंस होगा मेरे साथ, मेरे मुकाबले। फिर भी सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको सम्मान देना ज़रूरी है। एटलीस्ट मैं उसे अटेम्प्ट करूँ, उसने उसको अभी भी पसंद, मतलब उसके मन में अभी भी है, वो शर्म के मारे कह नहीं पा रहा। सो थर्ड टाइम मैं इस गाने गाऊंगा। बहुत प्यारी प्रेयर है, वेरी नाइस प्रेयर। तू सबको सवारे हैं, बहुत अच्छा ये प्रेयर है। जब भी आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छा गाना है, तभी मैंने इसे थर्ड टाइम गा रहा हूँ। और अगर उसके बाद में भी गाने के बाद में हमें लगा कि हमें फर्स्ट वर्जन या सेकंड वर्जन ज़्यादा पसंद, गो फॉर दैट, बट आई थिंक आई शुड गिव अ फेयर ट्राई टू थर्ड वर्जन। और बस उसके बाद देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर द लव एंड थैंक यू फॉर द सपोर्ट, एंड आई सी इन टच। अभी मिलता हूँ, बाय।